ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा ऐसी है जहाँ किसानों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी आप निकले हैं समस्याओं सुनने के लिए, क्या क्या मुख्य समस्याएं किसानों की जो दूर होनी चाहिए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए? ऐसा समस्याओं की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं तो समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। गर्मियों की जो गर्मियाँ जब थी 48 टेम्परेचर डिग्री वो था टेम्परेचर, उस समय मैंने किसान यात्रा निकाली थी। तो उस किसान यात्रा के माध्यम से प्रत्येक गांव-गांव घर घर पंचायत में जाके मैंने सारी समस्याओं को देखा नज़दीक से जाके। हर समस्या से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी। मैंने इस बात का प्रण कर लिया है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी, जनता मुझे चुन के भेजेगी तो उन समस्याओं का निदान मैं कराऊंगा। एक सड़क बिजली पानी यही मुद्दे होते हैं चुनाव में, तो इन मुद्दों को लेकर के क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, किस तरीके से आप उसको आगे हल करेंगे? इन समस्याओं को हल करने के लिए जनता मुझे चुन रही है, जो उनका भरोसा है विश्वास है उस विश्वास पर खरा उतरूंगा। बहुजन समाज पार्टी द्वारा शिक्षा को लेकर के जो आंदोलन किए जा रहे हैं उन आंदोलन में क्या भूमिका आपकी रहेगी और किस तरीके से आप उनको निर्वहन करेंगे? बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपको मैं बताऊं, शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले जी, ठीक है, वो बहुजन समाज पार्टी उनको अपना आदर्श शिक्षा की बात। जहाँ तक आप संविधान की बात करें तो संविधान की रचयिता बाबा अम्बेडकर साहब ने की थी, तो बहुजन समाज पार्टी की सोच और विचारधारा गरीब वर्ग दलित पिछड़े वर्ग सर्वहारा वर्ग सर्वहारा ध्यान को रखते हुए विचारधारा उनकी जो है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और जनता के काम करेंगे।